इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया, नर्सिंग होम आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल चंडीगढ़ रोड टोहाना। रोहतक लोकसभा का चुनाव हरियाणा में नई सरकार बनाएगा, यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में घर घर कांग्रेस अभियान के तहत लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पर दुकानदारों से मुलाकात और बातचीत की। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा चुनाव हरियाणा में नई सरकार बनाने का काम करेगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में अब दूसरे दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ना ही प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रहने का वातावरण। देखिए, हमारा डोर टू डोर का कार्यक्रम चल रहा है निरंतर और पिछले कई महीने से चल रहा है। ये घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम है, लोगों का बहुत साथ समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा मेन चुनाव के अंदर एक ये मुद्दा है कि हरियाणा में बदलाव जरूरी है। 10 साल की सरकार ने हरियाणा विकास की पटरी से उतरा है। आज हरियाणा जो विकास में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई हरियाणा में, महंगाई में देश में हरियाणा का नाम आ गया, कोई बड़ी विकास की परियोजना आई नहीं। तो ऐसे में दोबारा से हमारा हरियाणा भी खुशहाली की तरफ जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा से कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि रोहतक की जीत से प्रदेश में बदलाव की शुरुआत होगी। हम आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, उसके बावजूद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से रोहतक लोकसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार के तौर पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से कांग्रेस के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता आखिर किसे समर्थन देगी और किसे चुनकर लोकसभा में आने वाले प्रतिनिधि के तौर पर भेजेगी। इस इलाके में भी विकास हो, हमारा रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकास के मानचित्र पे आए, उसका जो रास्ता है वो रोहतक लोकसभा चुनाव से जाता है। रोहतक लोकसभा का चुनाव ना सिर्फ एक सांसद बनाने का चुनाव साबित होगा, वह हरियाणा की अगली सरकार बनाने का भी चुनाव साबित होगा, क्योंकि हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव होता है। ये एक हम मुद्दा लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बहुत साथ समर्थन हमें मिल रहा है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।